हेलो स्टूडेंट्स बेटा, देखो आज मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे फिर वो कॉमर्स विजार्ड के लिए हो, चाहे फिर वो CTSE एग्जाम के लिए हो, या फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम CUET के लिए हो, या फिर आपका किसी UGC नेट इकोनॉमिक्स के लिए हो। मैं हर तरीके के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज आपके लिए चला रही हूँ, और हो सके तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि कंपटीशन एग्जाम्स के ये MCQ मैं आपको चाहे रोज थोड़ी क्वांटिटी में प्रोवाइड करवाऊँ, करवाने की कोशिश करूँगी। सो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी MCQ जो कि न्यू कंपटीशन के रिगार्डिंग है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, इन्वेंट्री इज आ डैश कंसेप्ट, वेयर द चेंज इन इन्वेंट्री इज डैश कंसेप्ट। इन्वेंट्री जो है वो किस तरीके का कंसेप्ट है, और जहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री हो जाता है तो वो किस तरीके का कंसेप्ट है। अब देखो बेटा, आप लोगों ने बड़े ही अच्छे से समझ रखा होगा कि इन्वेंट्री क्या होता है, या फिर एक तरीके से मैं ये कहूँ कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। तो बेटा इन्वेंट्री जो है वो एक तरीके से मैं कहूँ कि हमारे जो हम बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में जितना भी रॉ मटेरियल है, या फिर बना हुआ मटेरियल है, या फिर सेमी फिनिश गुड्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो सारी चीज़ें इन्वेंट्री के अंदर आती हैं। अब अगर हमारे पास इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री अगर इकट्ठा है तो वो स्टॉक का कंसेप्ट हो जाएगा, अगर चेंज हो रहा है तो फ्लो का कंसेप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री इज अ स्टॉक कंसेप्ट, एज इट मेजर्ड कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर वो चेंज हो रहा है तो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा बेटा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, पहले वो स्टॉक होगा फिर वो फ्लो होगा। इन्वेंट्री स्टॉक होता है और चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इफ मार्जिनल प्रॉफिट टू सेव इज 0.25 एंड इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 250 करोड़, देन द फाइनल चेंज इन इनकम वुड बी। कह रहा है अगर MPS की वैल्यू हमारे पास 0.25 है और इनिशियल चेंज जो कि स्टार्टिंग की चेंजेस हैं इन्वेस्टमेंट में वो 250 करोड़ की है, तो जो फाइनल चेंज इनकम में आएगा वो कितना होगा। तो बेटा इसको आंसर तो जाएगा 1000 करोड़, मतलब पहला जो ऑप्शन है वो। बट ये जाएगा कैसे वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर हम कोई भी मतलब चेंज को देखते हैं तो डेल्टा वाई मतलब इनकम चेंज हो रही है, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा वाई से, क्योंकि वाई जो है वो इनकम को दिखाता है और डेल्टा चेंज इनको दिखाता है। तो डेल्टा वाई निकालने के लिए हमें फार्मूला पुट करना होगा, डेल्टा आई मल्टीप्लाई 1/MPS। अब हमें डेल्टा आई दे रखा है 250 करोड़, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/0.25, क्योंकि MPS की वैल्यू दे रखी है 0.25, और जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1000 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द फोकस ऑफ गवर्नमेंट बजट इज टू, जो गवर्नमेंट बजट है उसका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होता है? तो बेटा इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिनिमाइज द फिस्कल डेफिशिएट, जितने भी फिस्कल डेफिशिएट हैं उनको मिनिमाइज करना। क्योंकि अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के बजट की, या फिर गवर्नमेंट के उसकी जो फोकस होता है वो उसकी, तो उसके अंदर बेटा बेसिकली तीन बातें आती हैं। मिनिमाइज द फिस्कल डेफिशिएट, गवर्नमेंट बजट बनाती है फिस्कल डेफिशिएट कम से कम हो। रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को ढंग से एलोकेट किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, बांटा जा सके। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो बट किसके साथ में? स्टेबिलिटी के साथ में, ना तो इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एन इंडियन रियल इस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम द गूगल इन न्यूयॉर्क, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ द डैश अकाउंट। देखिए बेटा, एक इंडियन रियल इस्टेट कंपनी है जो कि रिसीव करती है रेंट को गूगल न्यूयॉर्क से, तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी? तो बेटा इसका ऑप्शन जाएगा 1, क्रेडिट और करंट, मतलब पहले जो मैंने ब्लैंक बोला वो क्रेडिट साइड और फिर जाएगी वो करंट साइड के अंदर। तो देखिए बेटा ये कैसे, मतलब ये ऑप्शन कैसे हुआ? इट इज एन इनफ्लो ऑफ मनी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मनी का इनफ्लो हो रहा है जो कि रीअक्योरिंग नेचर का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आंसर जाएगा दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर ऑफ द आइटम कॉलम ए दैट कॉलम बी। हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, हमें मैच करना है कि कौन सा किसके साथ सही बैठता है। तो देखिए बेटा, सप्लाई ऑफ मनी
उसके आगे दे रखा है मनी इन सर्कुलेशन एट अ पॉइंट, बिल्कुल नहीं होता है या फिर होता है। देखिए नेक्स्ट आता है स्टॉक ऑफ मनी, पहले मैं सारे टॉपिक आपको सुनाऊंगी, मतलब सारे कंसेप्ट, उसके बाद हम इसका सही आंसर देंगे। स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई ऑफ मनी कंसिडर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब स्टॉक ही आ गया तो पीरियड ऑफ टाइम तो हो ही नहीं सकता। फ्लो ऑफ मनी, मनी हेल्ड इन हेल्ड बाय पब्लिक एंड द बैंक टुडे, ये भी नहीं है। रिजर्व मनी सप्लाई ऑफ मनी स्टडीड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी नहीं है। तो देखिए बेटा इसका जो पहला ऑप्शन है, मतलब सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, मनी इन सर्कुलेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये बिल्कुल सही है कि सप्लाई जो होती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाती है। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है अगर उसकी स्टडी की बात करें तो वो कौन सा कंसेप्ट है। तो बेटा इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो होल इकोनॉमी को दिखाती है, और स्मॉल लेवल पे बात होती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और बड़े लेवल पे बात होती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि स्मॉल और लार्ज लेवल का मतलब आप सबको पता ही, आप 11th से पढ़ते आ रहे हैं। मैक्रो जो है वो बड़े लेवल पे काम करता है और पॉपुलेशन जो है एक बड़े लेवल को ही दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व, बेटा इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कौन कौन सी इनमें से नहीं है। इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, बिल्कुल डाउनवर्ड होता है। इनडिफरेंस कर्व इज अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, नहीं ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजन होता है, क्योंकि कॉनकेव जो होता है वो हमारा पीपीसी होता है, ना कि इनडिफरेंस कर्व। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, अंडर विच मार्केट फॉर्म अ फर्म इज अ प्राइस टेकर, देखो बेटा कहता है कि कौन सी मार्केट ऐसी है जिसमें एक फर्म जो है उसको मार्केट के प्राइसेस को लेना पड़ता है, वो खुद से प्राइसेस को डिसाइड नहीं कर सकती है। अब उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं मार्केट के बारे में बता दूं, मार्केट जो है बेसिकली होता तो चार टाइप का है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन जहां होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, सभी के प्राइसेस सेम होते हैं। मोनोपोली जहां पर एक का अधिकार होता है और एक तरीके से मैं कहूँ मोनोपोली होती है। ओलिगोपोली जहां पे फर्में थोड़ी होती है पर बड़े स्केल पर होती है। मोनोपोलिस्टिक जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलता है, जहां पर मतलब एक बात कहूँ तो नॉर्मल मार्केट जो होते हैं मोनोपोलिस्टिक होते हैं। तो सभी फर्मों में कहीं ना कहीं हम पार्शियल कंट्रोल है या फिर पूरी तरह कंट्रोल है, बट परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे यूनिफॉर्म जो है आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जब जहाँ पर चीज़ें एक जैसी हैं तो प्राइसेस भी कैसे होंगे एक जैसे। इसीलिए अगर किसी भी प्रोड्यूसर ने अपने प्राइसेस को हल्का सा भी हाई किया तो डिमांड उनकी इक्वल्स टू जीरो हो जाती है। इसीलिए ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे मार्केट में जो चीज़ें मिलती है वो कैसी मिलेंगी, मार्केट की जो चीज़ें हैं वो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन है, ऐसा है जहाँ पे प्राइस टेकर होता है, मतलब एक प्रोड्यूसर जो है वो उसको प्राइस को लेना पड़ता है, वो मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इफ द वैल्यू ऑफ एपीएस इज 0.2, अगर एपीएस की वैल्यू 0.2 है एंड नेशनल इनकम इज 4000 करोड़, देन कंजप्शन विल बी, हमें एपीएस दे रखा है, नेशनल इनकम दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है कि कंजप्शन कितना होगा। बेटा इसका आंसर तो है बी ऑप्शन, या फिर कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन, 3200 करोड़। बट ये आया कैसे ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। एपीएस की वैल्यू क्या होती है बेटा, एस अपॉन वाई, मतलब सेविंग्स अपॉन इनकम। हमारे पास एपीएस दे रखा है 0.8, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एस अपॉन 4000, क्योंकि गिवन है हमारे पास में फॉर्मूले में हमें पुट करना है, एस की वैल्यू आ जाएगी 800 करोड़। अब हमें पता है कि जो कंजप्शन है वो मतलब कंजप्शन जो है वो इनकम से ही होता है, और इनकम हमारे दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, कंजप्शन और सेविंग। तो सी इक्वल टू कितना होगा, वाई माइनस एस, वाई हमारे पास गिवन था 4000 करोड़, एस हमने निकाल लिया 800 करोड़, तो हमारा कंजप्शन कितना हो जाएगा 3200 करोड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए बेटा ये जो सीरीज मैं आपकी चला रही हूं, मैं ऑलमोस्ट इसे कंटिन्यू रखूंगी, ये सीरीज मैं हर उस कंपटीशन एग्जाम के लिए चला रही हूँ जो एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स देने के लिए प्रिपेयर करता है। तो जुड़े रहिए मेरी सीरीज के साथ में, क्योंकि हर दिन मैं आपको नए नए क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊंगी, जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको कन्फर्म देखने को मिलेंगे। मिलते हैं सेकेंड सीरीज के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।